जस्टिन ट्रूडो पहले ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने एक चुभने वाली बात बोल दी है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत और कनाडा दो बड़े लोकतंत्र हैं, हम दोनों देशों के साथ में चलना चाहिए, लेकिन हम हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। खालिस्तानी निज्जर की हत्या 2023 में 18 जून को कनाडा में हो गई थी और इसी का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंट्स पर लगा दिया था। एक पंजाबी चैनल से बातचीत में ट्रूडो ने कहा कि हम दोनों देशों को साथ में चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने खालसा डे के कार्यक्रम को संबोधित किया जिसमें बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक मौजूद थे। यही नहीं बल्कि कार्यक्रम में समर्थकों ने भारत विरोधी पोस्टर और खालिस्तानी झंडे ले रखे थे। जब जस्टिन स्टेज पर संबोधित करने पहुंचे तो वहां भारत विरोधी नारे भी लगे। जस्टिन ने अपने संबोधन में ये तक कह दिया कि हम खालिस्तान के साथ हैं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन पर ही हम रोक नहीं लगाएंगे। कनाडा के पीएम बोले कि हम आपका जो भी मत है हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा एक स्वतंत्र देश है और आप सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। वो यही नहीं रुके और खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ भारत के एतराज को लेकर बोले कि हमारा काम किसी भी राजनीतिक आंदोलन को रोकने का नहीं है। भारत ने खालिस्तानी समर्थकों के बैसाखी परेड में जुटने पर भी एतराज जताया था। ये सब के बाद भी कनाडा के रुख में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जस्टिन ट्रूडो बोले कि अगर कोई देश हिंसा या अपराध की शिकायत करता है तो हम एक्शन लेते हैं, भारत की तरह पीछे नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद, हिंसा और धमकी से डरने वाले नहीं हैं। वो बोले कि भारत के हम अच्छे साझेदारी रखते हैं, इस लेकिन निज्जर की हत्या की वजह से अभी ब्रेक लगा हुआ है।